हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो जस्ट मशीन लगाई है और ये देखिए इंडियन जुगाड़ ये किया है। मैं दो लाई थी, एक अपने लिए लाई थी, तो अब मैं सोच रही हूँ अपना वाला यहीं छोड़ दूँगी क्योंकि ये बहुत हल्का है। और मेरी क्या है, वॉशिंग मशीन जो है ना ट्रॉली के साथ में चलती है। आप लोगों को पता है कि ट्रॉली जो होती है ना उसके साथ में मैं उसको वो करके चलाती लेके आती हूँ करती हूँ, तो वो फट जाता है। तो ये तो मेरी मशीन पे 2 दिन भी ना चल पाएगा, तो यहीं छोड़ दूँगी मैं उसको। और अभी कपड़े लगा दिए, फिर थोड़ी देर बाद चादर और ये कंबल पड़ा हुआ इनको भी डाल दूँगी। कपड़े थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और ये सिंपल का धुला हुआ, सिंपल चली गई कल अपने घर आ जाएगी, आज या कल में आ जाएगी वो, कही है थोड़ा सा। और अभी तक मैं उसके ससुराल नहीं गई हूँ, देखते हैं कब जाऊँगा। मैं सोच रही हूँ जाने का टाइम होगा तब जाऊँगी। मेरी मम्मी की फुलवाड़ी थी, मम्मी की फुलवाड़ी कह रही हूँ, गार्डनिंग देखो, फुलवाड़ी गार्डनिंग जो भी कह लो। ये बीच में से तुलसारी हो रही है, सही हो रहा है, और शायद हनी जग गया है नीचे। चलो चलते हैं नीचे। अभी सामने बड़े जोर से मार पिटाई हो गई थी, खून हम खून ये सब हो गया था सुबह सुबह। बड़ा मतलब एक वो लगता है यार, सुबह सुबह ये सब नाटक पता नहीं क्या है। और मतलब अब पुलिस वुलिस को लेने गए पता नहीं क्या यार, तो किस बात पे हो जाती है, हाल हो जाती है लड़ाई। मेरे तो पता नहीं कमर में और पैरों में इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है कि मैं बता नहीं पा रही। इतना मेरे दर्द हो रहा है पैरों में और कमर में, बहुत ज़्यादा हो रहा है। पता है आप लोगों को ये पार्ट क्यों छुड़वाया गया हमारे में? ये इसलिए छुड़वाया कि यहाँ से जीना जाएगा ऊपर के लिए। ये टूटेगी, ये टेम्परेरी छत बनी हुई है, इस पर टंकियाँ रखी हुई है, ये टूटेगी ऊपर के लिए जीना जाएगा छत के लिए। और अब सीढ़ियों से तो चढ़ा भी नहीं जाता, मम्मी से तो कह रहे थे जीना पड़वाएंगे, जीना पड़ जाए। बट मनी बहुत सारा जाता है उसमें, मनी 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 मनी। मैं नहीं दिखाती नहीं जगह। हे गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मामा अर्थ के 2 प्रोडक्ट। एक है हमारे समर्स में बचाने के लिए ये मामा अर्थ का मिल्क सॉफ्ट मिनरल बेस्ड सनस्क्रीम, और एक है ये हमारा क्यूट सा बाथिंग बार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाथिंग बार के बारे में। सो ये बाथिंग बार जो है मिल्क मामा अर्थ का मिल्क सॉफ्ट बाथिंग बार फॉर बेबीज़ विद ओट्स मिल्क एंड कैलेंडुला, माइल्ड एंड जेंटल फार्मूला, सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, मेड सेफ है, पीएच बैलेंस्ड है 5.5 एंड 0+ के बच्चों से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके आगे अंदर में जो है वो आपको मिलता है 75 ग्राम × 2 पैक मिलते हैं इसके साथ में। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मैंने यूज़ कर लिया है, एक एरा आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है। मैंने अपने बेबी पे भी इसको इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं, और बच्चे बहुत प्यार से इसके साथ खेलते हैं। एक तो सोप्स होते हैं हाथ से स्लिप हो जाते हैं, बट ये जो है वो इतना अच्छा है कि हाथ से ना तो स्लिप होता है और ना ही मतलब दिक्कत देता है नहलाने में। तो 2 पैक आते हैं, इनफ है और ट्रैवल फ्रेंडली है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ बता दूँ, ये प्रोडक्ट जो होते हैं मामा अर्थ के वो मेड इन इंडिया होते हैं, प्लास्टिक पॉजिटिव, वी आर रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन वी यूज्ड है, क्रूटली फ्री है एंड एलर्जी सर्टिफाइड है। एंड एक और चीज़ बता दूँ, टॉक्सिन फ्री होते हैं ये, एंड जो जेंटली क्लिनजिंग स्किन लीव्स स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है, SLS एंड SLES एंड पैराविन भी फ्री है। सो ये बहुत ही अच्छा है, और आप जब बेबीज़ को इससे नहलाते हैं तो एक बहुत ही अच्छी जो है फ्रेग्रेंस बेबीज़ को बॉडी में जो है आ जाती है और ईजी रहता है ये। अब बात करते हैं हम अपने मामा अर्थ के ये मिल्क सॉफ्ट मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन के बारे में, और फॉर बेबीज विद ओट्स मिल्क एंड कैलेंडुला, सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, एंड आप इसको 0 to 10 ईयर्स के बच्चों को आप इसको दे सकते हैं, लगा सकते हैं। 80 ग्राम की होती है एंड SPF 30 है इसके अंदर एंड PA++ है। सो जैसे कि मैंने बताया प्लास्टिक पॉजिटिव ये भी है, और मैं ये अपने छोटी बेटी मतलब मेरी बड़ी बेटी है तब से यूज़ कर रही हूँ, मतलब मैं बहुत छोटी थी वो तब से मैं इन प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ। मेरे दोनों बच्चों पे मैं लगातार यूज़ कर रही हूँ, बेटी अभी मेरी बड़ी होगी लेकिन बेटा भी छोटा है तो मैं उस पर भी यूज़ करती हूँ। अब क्या होता है ना, समर्स जब आते हैं ना तो समर्स में हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब सोचते हैं यार सनस्क्रीन इज़ मस्ट है, हर बच्चे के हर बड़े के बॉडी के लिए मस्ट होती है सनस्क्रीन। तो यहाँ पर ये बच्चों वाली अगर हमें अलग से मिल रही है तो हमें इसको भी यूज़ करना चाहिए बच्चों पर, ताकि उनकी स्किन अच्छी रहे। और क्या होता है, बहुत ज़्यादा बच्चों को भी टैनिंग होती है, सन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती स्किन में, और समर्स आ गए हैं तो अभी तो ये बहुत ज्यादा मस्ट है। तो ये देख सकते हैं मेड इन इंडिया है,
मिल्क प्रोवाइड स्मूथ स्किन, ओट्स हेल्प मॉइस्चराइजिंग स्किन एंड लाइट वेट होती है। भी आप बच्चों को बाहर ले जाएं या कुछ भी करें, आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको इनकी एक खास बात बता दूं कि आप जब इनको बाय करेंगे तो आपको मिलेगा 20% ऑफ फॉर माय कोड को यूज करने से। मेरा कोड है ट्रूबी 2024, इससे आपको मम्मा अर्थ की वेबसाइट पर मिलेगा 20% ऑफ, ठीक है। और जितनी भी वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख रहे हो इन सब पे ये अवेलेबल है, आप इनसे बाय कर सकते हो। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मम्मा अर्थ का खुद का एक ऐप भी है, आप उस अभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप को और आपको और भी ऑफर मिल जाएंगे। और एक बहुत अच्छी बात मैं बताऊं कि जब भी आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं, आपके एक ऑर्डर से प्लांट लगाते हैं ये लोग, उसका जियो लोकेशन पिक्चर सब कुछ सेंड करते हैं, तो आपके एक ऑर्डर से एक प्लांट लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है ये, तो आपको जरूर इसको बाय करना चाहिए। और एक और चीज कि आपको अगर नियर बाय स्टोर पे भी, वैसे सब जगह अवेलेबल हो गया, अगर आपके नियर बाय स्टोर पे नहीं है तो आप कमेंट डाउन बिलो कर सकते हो, नेक्स्ट परचेज तक आपके नियर बाय स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। सो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू। जी भैया जग गई है, ये जी भैया जग गई है, दीदी भी जग गई है, खुद ही जी जग गई है, खुद ही जी मम्मा 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 जय करो, जय जय करो, जय जो। हाँ उठते ही अपनी बाइक पर जाएगा, उठते ही लाओ कर रही हो अभी, बाल सही, बिस्तर भी सही कर दूँ, बाल भी सही कर दूँ। हेलो, चलो बाय कर दो, बाय ना, जाओ दूध पी लो, जाओ हाँ नानी से ले लो दूध। नानी कैसे भूलेगा, दिखाती हूँ। बोलो दूध दे, नानी से कह दो दूध दे दो। क्या दे दे, दूध दे दो। मामा चलो उठो तुम भी, मैं बेड ठीक कर दूं।
खाना बना रही थी, मैं खाना बना के खाने जा रही हूँ मैं बस लगा के, और हुआ ये, यहाँ पे ना ठंडे पराठे रखे होते हैं, पराठों से पता नहीं मुझे ना बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने लगा है, उसकी वजह से मेरे को बहुत दिक्कत हो गई। मैंने पराठे खा तो लिए बट एसिडिटी टू मच हो गई यार, मेरे से गलती हो गई यहाँ पे। और मैं दिखाऊंगी आपको, मैंने पराठे लगा लिए, पता नहीं क्यों इस बारी मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मतलब ये खाने पीने के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है फेस करनी पड़ रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है। यहाँ का पानी ऐसा है कि हर चीज़ को डाइजेस्ट करवा देता है, बट मेरे को बहुत ज़्यादा हो रही है इस बारी, मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा इन देंस, जैसे जैसे कोलकाता में होती है वैसे यहाँ हो रही है, या नॉर्मल रह ही नहीं पा रही हूँ, हर थोड़ी देर में गैस 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 हो रही है मेरे को। सो बस रोटियाँ बना रही हूँ मैं यहाँ पे, ये रोटियाँ बच्चों के लिए सेक रही थी मैं, मैंने सोचा था बच्चों को रोटियाँ खिला देती हूँ मैं पराठा खा लेती हूँ, बट मेरे साथ तो ट्रेजिडी हो गई भारी वाली, क्या कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंगो शेक पीने का मन कर गया, तो यहीं पे बैठ गए हम लोग पीने के लिए। हनी को देखो ऐसा स्टाइलिश बन के बैठता है, और मतलब बहुत जल्दी तो हमारे कब्जे में आता ही नहीं है, हनी तो फैल जाए एक बार तो फैल ही जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, और ये हमारी सिंपल खड़ी हुई है, ये भी हमारे से, मैं इसको ये आती नहीं है कहीं पे भी, निकलती नहीं है, बस घर में रहती है, घर में रहती है। इसको बहुत मतलब अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो इसको मैं ज़बरदस्ती धक्का मार मोड़ के लेके आई, मैं कहा चल थोड़ा सा फ्रेश फील करेगी, तो फिर मैं इसको लेके आई हूँ अपने साथ। और यहाँ पे अब हम लोग पी रहे हैं, और इसको भी मैंने बोला तू भी पी ले। और ये ब्लॉग अभी का नहीं है, ये काफ़ी दिन पहले हो चुका है, काफ़ी दिन हो चुके हैं इस ब्लॉग को, क्योंकि ये क्या बोलते हैं ब्लॉग मेरा काफ़ी दिन से आ नहीं पा रहा था, लेट हो गया था तो मैं टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो चलिए इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।